11th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 का चल रहा है सरल रेखा में गति, और हम टॉपिक कर रहे हैं गति के समीकरणों की उत्पत्ति। इससे पहले हमने ग्राफीय विधि द्वारा गति के तीनों समीकरणों को व्युत्पन्न किया था, और जो आज की हमारी जो विधि है वो विधि है कलन विधि या फिर गणितीय विधि। आज हम गणितीय विधि द्वारा गति के तीनों समीकरणों की उत्पत्ति करेंगे, और यह उत्पत्ति करने से पहले अगर आपको वेग, विस्थापन और त्वरण, ये दो तीन परिभाषाओं को अगर आपका नॉलेज है, इन परिभाषाओं के आपको अच्छी तरीके से आता है, तो आप ये विधि है वो कर सकते हो, वरना है वो समस्या हो जाएगी अगर आपको परिभाषाएं वगैरह वो नहीं आती हैं। तो देखने स्टार्ट करते हैं। एक समान विधि द्वारा, सॉरी कलन विधि द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरणों की उत्पत्ति। पहला समीकरण लेते हैं, प्रथम समीकरण, अपना प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस 80। इस समीकरण की हमें उत्पत्ति करनी है, तो देखना कैसे उत्पत्ति करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से, और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि त्वरण होता है a बराबर dv अपॉन dt। ये फॉर्मूला मैंने आपको त्वरण की परिभाषा में बताया था, a इक्वल टू dv अपॉन dt, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब देखना अगर हम वज्र गुणा करेंगे तो dv बराबर क्या आएगा, a dt। हम इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर एक। इस समीकरण का करेंगे समाकलन, इसलिए इसको कलन विधि भी बोलते हैं। समाकलन करने पर देखना, समाकलन, ये dv क्या है, वेग में परिवर्तन है, और वेग कहाँ से लेके है, प्रारंभिक से लेकर अंतिम वेग। तो dv का समाकलन हम क्या, कहाँ से लेके कहाँ तक करेंगे, प्रारंभिक वेग u से लेके और अंतिम वेग v तक, और ये अपने पास आ गया है dv। ये समाकलन का निशान होता है इस प्रकार से, और यहाँ पर कहाँ से लेके कहाँ तक करना है उसकी विमाएं लिखी जाती है। हमें करना है प्रारंभिक वेग से लेकर हम जा रहे हैं अंतिम वेग तक, तो u से लेके v तक हम इसका समाकलन करेंगे, बराबर समाकलन इसका करना है dt। समय कब कहाँ से लेके कहाँ तक है, जीरो से लेके और कहाँ तक जा रहे हैं, टी तक जा रहे हैं। ये आपको मैंने ग्राफीय विधि में बताया था कि प्रारंभिक वेग है यू, और प्रारंभिक वेग यू पर समय कितना है, जीरो, और वी पर समय कितना है, टी समय पर वेग है वी, और जीरो समय पर वेग है यू। ये बात आपको बताई गई थी कि जीरो, ये जीरो कब है, यानी कि टी बराबर जीरो समय पर वेग कितना था, यू था, और टी समय पर वेग कितना हो गया था, वी हो गया था। तो इसका समाकलन हम कहाँ से लेके कहाँ तक कर रहे हैं, जीरो से लेकर टी तक, और इनटू में क्या है, a dt। ठीक है, ये आगे देखना, u से लेकर v और dv। अब देना हमें तो t के सापेक्ष इसका समाकलन करना है, तो dt को तो अंदर रहने देते हैं, और जो त्वरण a है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो a को तो बाहर निकाल लिया, अंदर रहने देते हैं, जीरो और से लेकर t है, और इनटू में आ गया है dt। ठीक है, और ये जो dv है इसका समाकलन होता है v, dx का x होता है, इसको आपको याद रखना है, dx का समाकलन होता है x, dv का होता है v, dt का समाकलन होता है t। इस प्रकार से इनके समाकलन होते हैं, क्योंकि समाकलन छोटी चीज़ का बड़ा रूप प्राप्त करने के काम में लिया जाता है। तो dv क्या है, अल्पांश है छोटा, इसका बड़ा रूप क्या हो जाएगा, v, तो इसका समाकलन होगा v। और फिर इसकी लिमिट हमें लगानी है, लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, यू से लेके वी तक, तो नीचे है u और ऊपर है v। ठीक है, बराबर, ये तो a ऐसा कैसा लिख दिया है, ये जो dt है इसका समाकलन होता है सिर्फ t, और लिमिट है 0 से लेकर t तक। अब आगे देखना इसे, अब हम क्या करेंगे, लिमिट रखते हैं, सबसे पहले तो ऊपर वाली लिमिट रखी जाती है, तो ये जो v है इस v की जगह है पे क्या रखेंगे हम, ऊपर वाली लिमिट v रखेंगे, तो ये रख दिया है v, माइनस का चिन्ह आता है फिर माइनस का लगा दिया, नीचे वाली लिमिट u है, तो v की जगह क्या लिख देंगे, u लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया है u, बराबर यहाँ पर है a, ये रहा a, लिमिट है पहले ऊपर वाली लिमिट, ये
इस टी की जगह है ये टी लिखना है, तो ये टी लिख दिया है। अब माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस लगा दिया। अब टी की जगह लिखना है जीरो, माइनस का आ गया जीरो। तो वी माइनस का यू बराबर टी में से जीरो घटाएंगे, टी बचेगा और ये अपने पास आ गया 80। अगर हम इसको वी बराबर निकालना चाहें तो यू प्लस कितना आएगा, 80 आएगा। तो वी बराबर अपने पास आ गया है यू प्लस 80, और यही गति का प्रथम समीकरण है। दूसरा समीकरण उत्पन्न करेंगे अब हम, दूसरा समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 80 की स्क्वायर, ये होता है दूसरा समीकरण। इसकी हमें उत्पत्ति करनी है तो हमें परिभाषा पता होनी चाहिए वेग की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेग की परिभाषा से। तो वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, वेग v, विस्थापन मान लेते हैं dx अपॉन में कितना dt। विस्थापन बटा समय होता है वेग, तो v इक्वल टू dx अपॉन dt। वज्रगुणा कर देते हैं, dx इक्वल टू v dt। चाहे आप विस्थापन को dx लिख सकते हो या फिर आप इसको ds लिख दो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो dx इक्वल टू आगे अपने पास आ गया वज्रगुणा करने से v dt। अब dx बराबर ये है v, और v का मान हम रख सकते हैं इस समीकरण गति के प्रथम समीकरण से u प्लस 80। तो ये रख दिया है u प्लस 80 और इनटू में क्या है इसके, ये रहा dt, रख दिया है dt। आगे dx बराबर u को dt से गुणा करेंगे u dt प्लस 80 को dt से गुणा करेंगे 80 और dt। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसका करेंगे समाकलन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समाकलन करने पर तो dx यानी कि विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम पथ। तो प्रारंभिक विस्थापन हम मान लेते हैं x0 और अंतिम स्थिति मान लेते हैं x, और dx विस्थापन का समाकलन हम कहाँ से लेंगे, कहाँ तक करेंगे, x0 से लेके x तक। अगर आप ds लेते तो यहाँ पर हम लिख देते s0 और ऊपर लिख देते s। अब यह है u dt, तो इसका समाकलन dt है तो 0 से लेकर सिर्फ t तक u dt प्लस इसका समाकलन भी t आ रहा है 0 से लेकर t a t और dt। ठीक है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं अब हम dx, इसका समाकलन सिर्फ x होता है तो लिख दिया है x, लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, x जीरो से लेके x तक, x जीरो से लेकर x तक बराबर u को बाहर निकाल लेना है, u को बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा जीरो से लेके t, जीरो से लेकर t और इंटू में dt, ये रहा इंटू में dt प्लस इसमें a को बाहर निकाल लेना है, कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल लिया, अंदर जीरो से लेके t, जीरो से लेकर t और t इंटू में dt और t इंटू में ये अपने पास आ गया है dt। ठीक बात है यहाँ तक। लिमिट रख देते हैं सबसे पहले ऊपर वाले लिमिट, ये जो x है इसकी जगह ऊपर वाला x रखेंगे, तो ये रख दिया है x। अब ये जो x है इसकी जगह x जीरो रखेंगे, तो ये रख दिया है x जीरो। ठीक है, ऊपर लिमिट माइनस अपर लिमिट, x माइनस x जीरो बराबर u। dt का समाकलन सिर्फ t होता है, तो ये रख दिया है t और लिमिट है 0 से लेकर t तक प्लस a। अब देखना है हमें इसका समाकलन करना है t इंटू में dt। एक फॉर्मूला होता है x की पावर n dx का, ये फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। इसी प्रकार से वो है t की पावर 1 और इंटू में dt। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आएगा, t n, n का मान ऊपर वाली संख्या 1 और प्लस में 1 है ही, n प्लस n के 1 प्लस 1। तो इसका समाकलन क्या आया, 1 और 1 कितने हो गए 2 और 1 और 1 2। इसका समाकलन कितना आएगा, t की स्क्वायर बटा 2, यानी कि जो t यहाँ पर 1 ही है, t1 dt, और t1 dt का समाकलन आएगा t की स्क्वायर बटा 2। रख देते हैं यहाँ पर, इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है बस, देखना a को बाहर ले लिया है, इसका समाकलन किया है हमने
टी की स्क्वायर बटा दो, और लिमिट है जीरो से लेकर इसकी भी टी तक। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम पथ विस्थापन होता है, तो x माइनस x जीरो को हम लिख सकते हैं s, लिख दिया है, बराबर u, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट कितनी है t, माइनस नीचे वाली लिमिट कितनी है जीरो, प्लस a, ऊपर वाली लिमिट है t की स्क्वायर बटा दो, नीचे वाली लिमिट है जीरो की स्क्वायर बटा दो। ठीक है, यहाँ तक ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, s बराबर u को t से गुणा करेंगे यू टी आ गया है, प्लस a को t से t की स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए टी की स्क्वायर और बटा कितना दो, और a को इसको जीरो से करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब s इक्वल टू अपने पास आ गया है यू टी प्लस, इसको हम लिख सकते हैं एक बटा दो ए टी की स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया है गति का दूसरा समीकरण, यह अपना दूसरा समीकरण। अब हम बात करेंगे गति के तीसरे समीकरण की, तो पहले आप ये जो दो समीकरण यहाँ पर लिखे हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम गति के तीसरे समीकरण को स्थापित करेंगे। देखना, करते हैं गति के तीसरे समीकरण की स्थापना यहाँ पर कर देते हैं, ये दो समीकरण है इसके में आपको समाकलन है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और ट्वेल्थ क्लास में वैसे आपकी प्रश्नावली आएगी समाकलन की, जो मैथ में बहुत बड़ी प्रश्नावली दी हुई है समाकलन की, उसमें आप और अच्छी तरीके से समझ लोगे, पहले आपको बस थोड़ी चीज़ें यही पता होनी है वो चाहिए इस टॉपिक में, तो बस ज़्यादा वो कुछ है नहीं इसमें। अब हम बात करें हैं तीसरे समीकरण की, तीसरा समीकरण और तीसरा समीकरण क्या होता है, v की स्क्वायर बराबर u की स्क्वायर प्लस 2as। देखना इसकी उत्पत्ति हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो इसका v की स्क्वायर हो जाएगा और इसका हो जाएगा u प्लस at की स्क्वायर। ठीक है, तो यह है v की स्क्वायर, इसको हम सरल कर सकते हैं a प्लस b की स्क्वायर, यह फॉर्मूला पढ़ा था आपने, a प्लस b की स्क्वायर बराबर होता है a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम इसको सरल कर लेंगे, तो a की स्क्वायर इनकी u की स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस b की स्क्वायर इनकी a की स्क्वायर और t की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आगे देखना, v की स्क्वायर बराबर u की स्क्वायर प्लस, इसमें मैंने 2a कॉमन ले लिया है, तो 2a कॉमन लेंगे, ये रहा 2, ये रहा a, अंदर बचेगा ut प्लस 1 बटा 2 a से a कैंसिल a t की स्क्वायर, ये बचेगा, इसमें हमने 2a कॉमन ले लिया है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ut प्लस 1 बटा 2 at स्क्वायर को, इसको हम लिख सकते हैं s, तो अपने पास v की स्क्वायर बराबर क्या आएगा, u की स्क्वायर प्लस 2a, ut प्लस 1 बटा 2 at की स्क्वायर, ut प्लस 1 बटा 2 at की स्क्वायर वो होता है s के बराबर में, तो ये अपने पास आ गया है तीसरा समीकरण। इस प्रकार से क्या है, गति का प्रथम समीकरण लिया है, दोनों तरफ वर्ग किया है और 2a कॉमन लिया है, अंदर जो बचेगा उसका मान हमने पहले निकाल लिया है, s बराबर ut प्लस 1 बटा 2 at की स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने गणितीय विधि द्वारा भी गति के तीनों समीकरणों को स्थापित कर दिया है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अब इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, और अच्छी तरीके से आपकी इसकी प्रैक्टिस है वो करनी है, ताकि आपको दोनों विधियों के द्वारा गति के तीनों समीकरण वो अच्छी तरीके से आ सकें, और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी एक विधि से गति के तीनों समीकरणों को हल करना पूछा जाता है, तो आप इन दोनों विधियों के द्वारा जो समीकरण हमने उत्पन्न किए हैं उनके आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये क्लियर टॉपिक हो सके। तो अब हम जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे।